तो भाई ये बात तो तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर आप लोग जब भी किसी इनेमी को मारते हो तो उस टाइम पे आप लोग दो तरीके से मारते हो। पहला तो होता है आप लोगों का हेडशॉट और दूसरा होता है आप लोग का बन टैप। हेडशॉट में आप लोग किसी भी गन का यूज कर सकते हो, लेकिन बन टैप के लिए आपको हमेशा एक ही ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है। वो ट्रिक ये होती है कि आप लोगों को सामने वाले बंदे को एक ही गोली में डाउन करना होता है, लेकिन आप लोग जब भी किसी बंदे को बन टैप मारने का ट्राई करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के सामने ढेर सारी प्रॉब्लम आती है। अब उन प्रॉब्लम में आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम है जो कि कॉमन होती है। जो आप लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोगों का या तो एम बहुत ज्यादा हवा में फायर होगा, या फिर आप लोगों की गन बहुत ज्यादा रिकॉल खाएगी, या फिर आप लोगों का बन टैप नहीं पड़ेगा, या फिर हेडशॉट नहीं पड़ेगा, आप लोगों का सीधा बॉडी शॉट ही पड़ेगा। आप लोगों की जितनी भी एमओ होती है बॉडी पर चिपक जाती है। भाई मुंह की बात छील ली। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बन टैप मारने की तीन ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली ऑन रेड नंबर पड़ने वाले। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, मेरी तरफ से सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए दीपावली की तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ ये कर लो पहले। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को हैप्पी दीपावली लिख के कमेंट कर सकते हो। मेरे को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मेरे को थोड़ी बहुत मैसेज देते हो या फिर थोड़ा बहुत मेरे को भी सपोर्ट दिखाते हो। अब देखो, आप लोग ये वीडियो चाहे दीपावली के दिन देख रहे हो, चाहे दीपावली के बाद देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, ठीक है, मैंने ये वीडियो दीपावली के दिन बनाई है। तो आप लोग को सिंपली कमेंट बॉक्स में जाके हैप्पी दीपावली लिख के कमेंट करना है, ठीक है, करना ही करना है, मेरे को नहीं पता कैसे भी, लेकिन कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। और आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो तुम सभी को मिलेंगे फ्री में 500 डायमंड। अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी से तक मैसेज डाल देना, तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। तो चलो भाई अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो देखो, जब भी आप लोग किसी भी नेमी से किसी भी गन से बन टैप मारते हो तो उस टाइम पे आप लोग उससे 3 रेंज फाइट करते हो। पहली तो होती है आप लोग की शॉर्ट रेंज, दूसरी होती है आप लोग की मिड रेंज और तीसरी होती है आप लोग की लॉन्ग रेंज। तो भाई सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग किसी भी इनेमी से लॉन्ग रेंज में फाइट करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है। तो भाई यहाँ पर इस क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया, जिससे आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो भाई देखो, जब भी आप लोग किसी भी इनेमी से लॉन्ग रेंज में फाइट करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा एक ट्रिक फॉलो करनी है कि आप लोगों को जो एम होता है उसे आप लोगों को इनेमी के ऊपर रेड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर इस इनेमी के ऊपर मैंने अपना एम रेड किया और अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे हल्का सा ऊपर की साइड खींच देना है। देखो, आप लोगों को अपना फायर वाला बटन हल्के से ऊपर की साइड क्यों खींचना है, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में एक साथ स्पीडली ड्रैग करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की सारी एमओ हवा में फायर हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग को अपना एम रेड करना और अपना फायर वाला बटन हल्के से ऊपर की साइड खींच देना अगर आप लोग किसी इनेमी से लॉन्ग रेंज में फाइट करते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आप लोग किसी इनेमी से शॉर्ट रेंज में फाइट करते हो तो उस टाइम पे आप लोग कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है। तो मेरे देखो, जब भी आप लोग के सामने कोई इनेमी शॉर्ट रेंज में आता है तो उस टाइम पे आप लोग को अपना एम बाइट रखना और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में अपना फायर वाला बटन स्पीडली ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। मैं आपको वापस से बताता हूं कि आप लोगों को शॉर्ट रेंज में हमेशा अपना एम बाइट रखना है और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोगों को अपना फायर वाला बटन झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींच देना है, आप लोगों का इजी पीजी शॉर्ट रेंज में बन टैप पड़ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट बन टैप शॉट ट्रिक के बारे में बात, वो है आप लोगों की मिड रेंज। मिड रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसमें आप लोग किसी भी बंदे को इजी पीजी बन टैप मार सकते हो, फ्री फायर की सबसे बेस्ट जो रेंज होती है वो। लेकिन पहले मैं यहाँ पर आप सभी को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि आप में से 90% बंदे जो होते हैं वो हमेशा एक गलती करते हैं। अब वो गलती क्या है कि अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर कोई भी बंदे को बन टैप मारो या फिर किसी भी बंदे को हेडशॉट मारो उस टाइम पे आप लोग को एक गलती जो कि कभी नहीं करनी है, अगर आपके सामने कोई एनिमी पीठ दिखा के भाग रहे हैं आप लोगों को पीठ पीछे कभी बार नहीं करना है। अगर आप लोग पीठ पीछे किसी बंदे को बन टैप मारोगे तो उस टाइम पे बहुत ही कम चांस होते हैं कि सामने वाले बंदे को बन टैप पड़ जाए। जब एनिमी का कैरेक्टर रन कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो उसका सर होता है वो सामने की तरफ झुका हुआ होता है, तो उस टाइम पे बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप लोग उसे बन टैप मारो या फिर आप लोग का बन टैप पड़ जाए। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दो क्लिप लगाई, ठीक है, दोनों क्लिप में आपको मैंने पीछे से बन टैप मारने का पूरा ट्राई किया, ठीक है, लेकिन बन टैप नहीं पड़ा। और आप लोग भी कभी गेम में जाके ट्राई कर लेना कि अगर आप लोग पीठ पीछे किसी बंदे को बन टैप मारते तो उस टाइम पे उस बंदे को बन टैप बहुत ही कम ऐसा चांस है कि पड़ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई एनिमी फायर करे या फिर आप लोगों पर कोई बंदा रस करे या फिर आप लोग की तरफ उसका मुंह, तभी आप लोगों को फायर करना है। अगर आप लोग पीठ पीछे बार करोगे तो आप लोग का बन टैप बहुत कम पड़ेगा, और अगर आपके सामने कोई एनिमी खड़ा है या फिर आप लोग रस कर रहा है या फिर आप लोग की मुंह की तरफ करके फायर कर रहा है तब आप लोग का इजी पीजी बन टैप पड़ जाएगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात, वो है आप लोगों की फ्री फायर की सबसे बेस्ट रेंज मिड रेंज। मिड रेंज में आप लोग किसी भी एनिमी को इजी पीजी बन टैप किस तरीके से मार सकते हो। उससे पहले आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको इसी लेके जब तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब यार देखो मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, और दूसरे यूट्यूबर की तरह आपको ना कोई कसम बसम खिला रहा हूँ, और मैं अपनी जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उनमें आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके भी समझाता हूँ। इसके बदले में बस आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना, नीचे की साइड देखो आपको लाइक वाला बटन भी दिख जाएगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी दिख जाएगा, तो एक साथ आप लोगों को लाइक वाले बटन और सब्सक्राइब वाले बटन पर प्रेस कर देना। अभी मैंने आपको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की दोनों ट्रिक बता दी, अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने कोई एनिमी मिड रेंज में होता है तो उस टाइम पे आप लोगों को किस तरीके से वन टैप मारना है। तो मैंने देखो मिड रेंज में आप लोगों को हमेशा एक ट्रिक फॉलो करने की, आप लोगों को अपना एम रेड हो बाइट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्री फायर के अंदर मिड रेंज एक ऐसी रेंज होती है जहां से अगर आप लोग अपने एम को रेड करके बंदे को मारोगे तब भी आप लोगों का इजी पीजी वन टैप पड़ेगा, अगर आप लोग अपने एम को बाइट करके मारोगे तब भी आप लोगों का इजी पीजी वन टैप पड़ेगा। साथ ही आप लोगों को एक बात है जो कि हमेशा याद रखनी है कि जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोगों को अपना फायर वाला बटन खींचना है। अब आप लोग झटके से खींचो, आराम से खींचो, स्लो खींचो, कैसे भी खींचो, आप लोगों का मिड रेंज में इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड जीतना चाहते हो, या फिर आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि टॉप अप नहीं करते हैं, या फिर आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे नहीं है, तो आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। लेकिन जाते जाते मैं तुम सभी से वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार देखो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और सभी के लिए वापस से हैप्पी दीपावली।